हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका बिजनेस परमार की दुनिया में। तो आज हम लोग आपको नूडल्स बनाने की हमारे तरीके की रेसिपी बताएंगे कि हम लोग किस तरह से नूडल्स बनाते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो अभी हमने कैप्सिकम को काट के रखा है, दो कैप्सिकम लिया था हमने, और कैबेज को ऐसे छोटे छोटे में काटा है, कैप्सिकम को ऐसे, और हमने दो ऑनियन लिए थे उसको इस प्रकार से काटा है, और हमने तीन चार मिर्ची ली थी उसको इस प्रकार से कट किया है। फिर हमने बॉईल नूडल्स को बॉईल करने के लिए पानी चढ़ा के रखा है, इतना बड़ा टोप रखा है। तो अभी हमने इतना बड़ा टोप लेके उसमें पानी चढ़ाया है, अभी हम इसको बॉईल करने के लिए उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच नमक डालेंगे और थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे, इसमें हमने थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डाला है बस। फिर हमने इसमें, ये हम लोग 3 पैकेट नूडल्स बनाएंगे, वेज हक्का नूडल्स, और ये हक्का चाउमीन, हक्का नूडल्स मसाला, फिर ये है रेड चिली सॉस, और ये है सोया सॉस। तो आगे और बने रहिए वीडियो के साथ। तो अभी पानी बॉईल हो चुका है, तो अब हम उसमें नूडल्स को ऐड करेंगे। हमने सब नूडल्स को ऐड कर लिया है, अभी हम बस नूडल्स के बॉईल होने का वेट करेंगे। इसको बॉईल होने के लिए लगभग 10-15 मिनट तो लगेंगे, तो तब तक बॉईल होने देते हैं नूडल्स को। तो अभी नूडल्स बॉईल हो चुकी है, इसको हमने 2-3 बार ठंडे पानी से धो लिया है, तो इसके अंदर से पूरा पानी निकाल लिया है, तो कुछ इस प्रकार दिख रही है नूडल्स। तो हमने अभी एक कढ़ाई ली है और उसके अंदर 2-3 चम्मच तेल डाला है, फिर अभी हमने उसके अंदर मिर्ची डाले जा रहे हैं, जो हमने 2-3 मिर्ची कट की थी वो हमने मिर्ची को अंदर डाल दिया है। मिर्ची को थोड़ा 2-3 सेकंड फ्राई होने देंगे, फिर उसके बाद हमने ऑनियन ऐड करेंगे इसके अंदर। अभी हम उसमें ऑनियन ऐड कर लिए हैं, ऑनियन को थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने देंगे, तो 2-3 मिनट पकने देंगे ऑनियन को। तो ऑनियन थोड़े से हल्के ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें कैप्सिकम ऐड करेंगे। तो अभी हम इसमें कैप्सिकम ऐड कर ली है, तो 2-3 सेकंड तक हम लोग पकाएंगे कैप्सिकम को भी ऑनियन के साथ। देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है आपको, मुझे भी। कैप्सिकम को हमें थोड़ी देर 2-3 मिनट पका के हो चुका है, अब हम उसमें कैबेज ऐड करेंगे। हमने कैबेज को बहुत बारीकी की तरह से कट किया है, क्योंकि नूडल्स में उसमें अच्छी तरह से दिखने के लिए और टेस्ट भी अच्छा आए, तो हमें तीनों को, कैप्सिकम, ऑनियन और कैबेज को ऐड, अभी उसको हम 2-3 मिनट तक पकने देंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम उसको 2-3 मिनट थोड़ा पकने देंगे, फिर उसमें नूडल्स ऐड करेंगे। तो अभी शिमला, कैप्सिकम और कैबेज थोड़े से मतलब पक चुके हैं अच्छी तरह से, अब हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। थोड़ा सा हमने सोया सॉस ऐड किया है, अब उसमें हम चिली सॉस ऐड करेंगे। तो हमने चिली सॉस ऐड कर लिया है, अब हक्का नूडल्स मसाला ऐड करेंगे। हमने 2 पैकेट हक्का नूडल्स लिया, मसाला लिया है, तो हम उसमें 2 पैकेट हक्का नूडल्स ऐड करेंगे। कुछ अब इस प्रकार से दिख रहा है,
हम इसमें से पूरा निकाल लेंगे रेड चिली सॉस। अरे बहुत टेस्टी लग रहा है अभी देखने में, नूडल्स ऐड होने के बाद और भी अच्छा लगेगा। हाँ, तो अभी हम इसमें नूडल्स ऐड करने जा रहे हैं। तो ये नूडल्स हमने उसमें ऐड कर लिए हैं। वाह, क्या खिली खिली सी नूडल्स है। तो हम सब नूडल्स उसमें ऐड कर रहे हैं। तो और नूडल्स अब हम इसको हिलाएंगे। तो हमारे नूडल्स रेडी हो चुकी है और हमारे नूडल्स बन चुकी है बहुत अच्छे से। देखो देखने में कितनी प्यारी लग रही है और बहुत अच्छी लग रही है। अब हम बहुत यम्मी यम्मी नूडल्स खाएंगे। तो फाइनली हमारे नूडल्स प्लेट के अंदर आ गए हैं और रेडी हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा यम्मी लग रही है, मैं तो फटाफट इसको खाने वाली हूँ। और ऐसे ही हमारे वीडियोस आते रहेंगे, तो हमारे वीडियोस को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।